पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज निकल कर जा रहे थे जंगल में से, वन में से। एक डाकू बीच राह में मिल गए और वो मांसाहार का भक्षक था। उसने आज महाप्रभु जी को देखा तो महाप्रभु जी बड़े सुंदर, स्वयं कृष्ण का ही एक अंश, और इस डाकू ने देखते से ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने तलवार उठाकर कहा, बहुत दिनों के बाद भगवान ने मेरा पेट भर के भोजन भेजा, आज तुझे काट काट कर खाऊंगा। अब श्रीमद वल्लभाचार्य जी मन में सोचे कि बताओ ना जाने कितना दिन का भूखा है, और भगवान ने अगर मुझे इसका भोजन बनाकर भेजा है तो मुझे निश्चित है, खाओ ठीक है। और उस डाकू ने तलवार उठाई श्रीमद वल्लभाचार्य जी को मारने के लिए, टुकड़े करने के लिए, उनको पाने के लिए, खाने। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा, भैया खाओ, मना नहीं है, पर मरने वाले की भी तो अंतिम इच्छा पूरी करना चाहिए पहले। भाई अगर आप हमें मार रहे हैं तो हमारी अंतिम इच्छा भी तो पूरी करो। तो क्या अंतिम इच्छा है बोलो? श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि जिस मंत्र को मैं जपता हूं उस मंत्र को 5 बार आप मेरे साथ में बोल लो, बस 5 बार बोलना, उसके बाद आप मुझे मार देना, ठीक है? बोलो मंत्र क्या है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण शरणम मामा का जो जाप किया, जो मुख से श्री कृष्ण शरणम मामा बोलना प्रारंभ करा, महाराज एक बार उस डाकू से बोला नहीं गया, फिर महाप्रभु जी ने बुलवाया, दूसरी बार में सही बोला, 5 बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जैसे ही मंत्र का जाप करवाया, बस डाकू ने तलवार फेंक दी और श्रीमद वल्लभाचार्य जी के चरण पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि सत्संगी जीव जो होता है, भजनावली जो होता है, कीर्तनी जो होता है, भगवत नाम का स्मरण करने वाला जो होता है, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग माता हो, आपके घर में धर्म पत्नी हो, आपके घर में पति हो, अगर घर में काका काकी देवरानी जेठानी जितने रिश्तेदार हैं उसमें कोई एक रिश्तेदार तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे परिवार में कोई एक माता, कोई एक पुरुष अगर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है, कथा में डूबा हुआ है, शंकर की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा निरंतर श्रवण कर रहा है और शिव भक्ति में निरंतर अगर डूबा हुआ है, तो उस डूबे हुए भगत का, उस डूबे हुए भक्ति के प्रतिबिंब का आप स्मरण करिए। महाराज उस घर में रहने वाली माता, घर में रहने वाला पुरुष, घर में रहने वाला पुत्र, घर में रहने वाला बच्चा जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, उसका मात्र स्पर्श, मात्र उसके द्वारा किया गया भजन, मात्र उसका स्पर्श ही हमारे आधे बिगड़ते हुए कार्य को सफल कर देता है।